हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद सभी को। दोस्तों मैं अरुण प्रकाश कराना आप सभी का आपके अपने परिवार फोकस सेशन मेरठ में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है, नए नए नोटिफिकेशन आ रहे हैं भर्ती के, ठीक है। और आपको जानकारी मिली होगी आरपीएफ का कांस्टेबल पद के लिए एक नोटिफिकेशन आ चुका है, एक नोटिस आ चुका है और बहुत जल्द आपको आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे कि आप पीछे देख रहे हो थंबनेल में, भाई ये आरपीएफ का नोटिस है जो हमने लगा रखा, आरपीएफ का जो नोटिस जारी हुआ है, ठीक है। नया नोटिस जारी है, फॉर्म कब तक आएंगे, कुल कितने पद हैं, ठीक है। फिजिकल की जानकारी, कैसे बच्चे विद्यार्थी इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी जो है कई साल बाद आई है, 2018 में इसकी वैकेंसी आई थी, खुद विभाग ने जानकारी दी है। भाई विभाग ने खुद बताया है कि इतने लंबे समय से जो है वैकेंसी नहीं आई थी, ठीक है। और वैकेंसी दी क्यों नहीं, अब क्यों दी है इन्होंने, क्यों नोटिस जारी किया। आपको पता है कि एक कंपेन चल रहा था, किस पे, ट्विटर पे एक कंपेन चला था हम युवाओं के माध्यम से। हम युवाओं ने रेल मंत्री को खूब जो है ट्वीट किए हैं कि रेलवे की आरपीएफ की वैकेंसी दो, आरपीएफ के कांस्टेबल एसआई के पद दो। तो अब जाके उन्होंने घोषणा की है और इसी महीने, अक्टूबर के इसी महीने में बहुत जल्द आरपीएफ की कांस्टेबल पद पर वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। ये तो देखिए उन्होंने बताया नहीं कि वैकेंसी कितनी आने वाली है, ये भी कुछ यानी कि शंका में है ये बातें, तो ये तो उन्होंने डिसाइड किया नहीं है। लेकिन बहुत जल्द इसी महीने आपकी आरपीएफ की कांस्टेबल की वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। सबको बताएं, एक बार नोटिस देख लेते हैं और मैं आपको जानकारी दूंगा इसका सिलेबस के बारे में, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, आप किस तरह से इसमें सफलता हासिल कर सकते हो, फिजिकल की तैयारी कैसे करें या इसमें क्या फिजिकल है, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं हम इसका नोटिस। देखिए ये नोटिस है, आपने, आपको मिल भी गया होगा, अभी 10 तारीख को, 10 अक्टूबर को ये नोटिस जारी हुआ था रेल मंत्रालय के माध्यम से। रेल मंत्रालय ने खुद बताया कि वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, घोषणा करी है, ठीक है। किसने, रेल मंत्रालय ने, और खुद बताया कि इससे पहले जो लास्ट रिक्रूटमेंट जो भर्ती हुई थी, कंडक्ट की गई थी, वो 2018 में की गई थी, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है, ठीक है। उसके बाद वैकेंसी नहीं आई है, तो बहुत बड़ी वैकेंसी की उम्मीद है कि वैकेंसी इस बार कुछ इसमें ज्यादा आएंगी, ठीक है। यह है नोटिस। अब बात करते हैं कि आप लोग आरपीएफ की तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए जो युवा जिनकी हाइट ज्यादा नहीं है, जो निराश है कि हमारी हाइट कम है, हम फोर्थ में नहीं जा सकते, ठीक है, तो वो निराश ना हो, क्योंकि आपको भी मौका मिल गया है, मिलने वाला है मौका, तो कम हाइट वाले बच्चे भी इसमें जा सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं सबसे पहले, देखिए भर्ती क्या है, आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती है 2023। एग्जाम पैटर्न क्या होगा इसका, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कि सीबीटी एग्जाम है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल इफेक्शियंस है, फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, और मेडिकल फाइनल के बाद जब होगी आपकी ट्रेनिंग, ठीक है। देखिए योग्यता क्या है, योग्यता क्या है, इसकी योग्यता है मात्र 10वीं पास, मात्र 10वीं पास। भाई आपको 10th पास चाहिए, जो 10th पास है वो आरपीएफ कांस्टेबल के फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल के फॉर्म आप भर सकते हैं जो केवल 10th पास है, ठीक है। तो 10th पास के लिए, 10th पास के लिए और कम हाइट वाले बच्चों के लिए बहुत बढ़िया मौका है। आयु सीमा देख लीजिए, आयु सीमा जनरल की बात करें तो 18 से 25 वर्ष इसकी आयु सीमा है, और जो ओबीसी हैं उनको 3 साल की छूट मिली और एससी एसटी को 5 साल की छूट है, यानी कि उनकी 18 से 30 वर्ष एज रखी गई है, ठीक है। देख लेते हैं, देखिए अगर हाइट की बात करें, मेल जो पुरुष है, पुरुषों की हाइट जनरल ओबीसी और ईवीएस की 1.65 सेंटीमीटर है, और एससी एसटी की बात करें तो 160 सेंटीमीटर है, यानी कि हाइट इसमें बहुत कम रखी गई है। आपको बताया यूपी पुलिस में 168 ली जाती है, ठीक है, दिल्ली पुलिस में 170 ली जाती है। आपको देखो इसमें एससी एसटी को 160 मिल रही है, जनरल ओबीसी को 165 मिल रही है, तो कम हाइट वाले बच्चों के लिए उनके पास बहुत अच्छा मौका है, ठीक है, वर्दी पहनने का। चलिए चेस्ट की बात करें मेल की, जनरल ओबीसी ईवीएस की जो है 80 से 85 सेंटीमीटर का चेस्ट होनी चाहिए, और चेस्ट का 5 सेंटीमीटर का चेस्ट का फुलाव होना चाहिए, 80 से 85, 80 होनी चाहिए और 85 तक फुलाव, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। एससी एसटी की बात करें, 76.2 से 81.2 सेंटीमीटर उसकी चेस्ट का माप और उसका फुलाव होना चाहिए, ठीक है। फीमेल की हाइट की बात करें, देखिए फीमेल जो महिला जनरल ओबीसी ईवीएस की ईडब्ल्यूएस की है उनकी 157 सेंटीमीटर हाइट लेंगे, और जो एससी एसटी की महिला है उनकी 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, ठीक है। बात करते हैं फिजिकल की, भाई फिजिकल जो मेल है, जो पुरुष है, भाई पुरुषों का फिजिकल की बात करें, देखिए
आपको क्या करना है, पुरुषों को 5 मिनट 45 सेकंड में आपको मात्र 1600 मीटर की रनिंग करनी है, ठीक है। और इसमें एक लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप कितना 14 फीट लॉन्ग जंप लेना है आपको और 4 फीट हाई जंप है, ठीक है। महिलाओं के फिजिकल की बात करें तो महिलाओं को 3 मिनट 45 सेकंड में 800 मीटर की रेस पूरी करनी है, 9 फीट उनके लिए लॉन्ग जंप है और 3 फीट उनके लिए हाई जंप है। और फिजिकल ओनली क्या है, केवल आपको फिजिकल क्वालिफाई करना है, जो फिजिकल क्वालिफाई कर देगा वो अगले, ठीक है, अगले अगला जो जो आपका जो भी होगा मेडिकल होगा या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे उसके लिए चुने जाएंगे जो फिजिकल को पास कर लेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है। सबसे खास बात है एग्जाम पैटर्न की, ठीक है। देखिए भाई मैथ्स के आपको 35 क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन मिलेंगे और जीएस के जो आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और वो भी हाई लेवल के, ठीक है। देखिए 70 नंबर की मैथ और जीएस, मैथ और रीजनिंग है और अकेले 50 नंबर की जीएस है, तो जीएस भी इसमें बहुत अहम रोल रखती है आपको भर्ती कराने में, ठीक है। चलिए टोटल क्वालिफाई यानी कि टोटल क्वेश्चन जो होंगे आपके 120 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और आपको 90 मिनट मिलेंगे। 90 मिनट का मतलब है आपको 1.5 घंटा मिलेगा, ठीक है, आपको 1.5 घंटा मिलेगा इनको करने के लिए, 90 मिनट मिलेगी, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग का विशेष का ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग दी गई है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है 1/3 की है, 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। आगे देखते हैं, अगर एग्जाम सिलेबस की बात करें, भाई एग्जाम सिलेबस की बात करें, रीजनिंग मैथ और जीएस में से पूछा क्या क्या जाएगा, तो एग्जाम सिलेबस भी हमारे पास है क्योंकि पिछली भर्ती के आधार पर इस बार भर्ती होने वाली है। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में देखिए क्या क्या टॉपिक आएंगे, व्यवस्था यानी कि मैट्रिक, रैखिक, परिपत्र, लंबवत है, वैन आरेख है, रक्त संबंध है, श्रृंखला पूरी करें ये टॉपिक है, कथन अनुमान है, दिशा ज्ञान है, पैराजंबल है और त्रुटि सही करें, ये इसका सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस है। बात करें मैथ का सिलेबस का तो बीजगणित है, क्षेत्रमिति है, संभावना है, त्रिकोणमिति है, डेटा पर्याप्त है, विसार है और डेटा व्याख्या और ज्यामिति है, ये आपका मैथ का सिलेबस है। इनसे बाहर कुछ नहीं पूछेगा एग्जाम में। सामान्य जागरूक की बात करें तो समसामयिक की घटनाएंगी आपकी, सामान्य ज्ञान आएगा यानी कि जिसको हम बोलते हैं जीके, ठीक है, विज्ञान आएगा, भारतीय कला और संस्कृति से पूछे जाएंगे जो प्राचीन हमारी संस्कृति है, भारतीय इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारतीय भूगोल से पूछे जाएंगे और राजनीतिक विज्ञान आपके पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन आएंगे। जो सिलेबस दे रखा है इन्होंने उस सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपको सिलेबस का विशेषकर ध्यान रखना है। देखिए आरपीएफ कांस्टेबल की जो पद है, अगर उसकी सैलरी की बात करें तो सैलरी की बात करें, देखिए पोस्ट क्या है, आरपीएफ कांस्टेबल, कांस्टेबल का पद है, पे जो स्केल है वो 21,710 स्केल है, टोटल सैलरी बनती है आपकी 26,200 से लेकर 33,500 रुपए तक इसकी सैलरी बनती है, ठीक है। तो बहुत जल्दी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, अक्टूबर के इसी महीने में वैकेंसी आने वाली है। तो जो युवा कम हाइट वाले हैं, जिनकी हाइट ज्यादा नहीं है, कम है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस वगैरह में या दिल्ली पुलिस में फॉर्म नहीं भर सकते, तो उनके लिए मौका है, वो यहां फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, सिपाही लेवल का, सिपाही यानी कि वर्दी वो भी पहन सकते हैं। तो आप तैयार रहें, तैयारी करते रहें अपनी, ठीक है। और हमारे चैनल पे भी जो है, जो आप नए बच्चे जुड़े हमारे चैनल से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे चैनल पे देखिए फ्री ऑनलाइन तैयारी की जा रही, कराई जा रही है सुबह से शाम तक, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जीएस के फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चल रहे हैं, ठीक है, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों एक बार फिर मिलेंगे आपसे कोई नई जानकारी के साथ, चलिए धन्यवाद दोस्तों।